बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस्लामिक स्टडीज का जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हमने देखना है कि इस्लाम से पहले, इस्लाम के आने से पहले कौन से रिलीजन थे और इस्लाम की इब्तदा किस तरह से हुई। ये आप समझ लें कि जो मैं आपको ये लेक्चर ये देने जा रहा हूँ, इसकी बेस पे MCQ वाइज आपके टोटल पेपर की बुनियाद इस लेक्चर के ऊपर है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट पेपर्स के अंदर, जब हम पास पेपर्स करते हैं देखते हैं, वो कभी पूछ लेता है रोजा का हुक्म किस हिजरी में हुआ, नमाज का हुक्म किस हिजरी में हुआ या नबवी में हुआ, इस तरह भी पूछ लेता है। और जो है सुलह हुदैबिया कब हुई, फतेह मक्का कभी हुई, ये वाकया सारे जो है ना इस तरह से पूछ लेता है। अगर आज के ये लेक्चर आप समझ लेंगे ना तो आपको ये चीजें फिंगर टिप्स पे कंसेप्चुअल याद हो जाएंगी, रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में जहां जो वाक्य आएगा कंसेप्चुअली आप उसको जो है फौरन कर लेंगे। क्योंकि जितने भी वाक्यात हुए हैं वो सिर्फ ज्यादा वाक्यात 10 सालों में हुए हैं, 10 सालों में, जो हम यकम हिजरी से लेके 10 हिजरी तक जाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए कि ये हिजरी होता क्या है और आम साल क्या होते हैं, उसको आपको कंसेप्ट बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा, कैलेंडर इस वक्त जो चल रहा है हमारे सामने, हम दो तरह का कैलेंडर सुनते हैं। एक हम जो कैलेंडर है जिसके मुताबिक आज 2022 है, ये ईयर 2022 है, और हम लिखते हैं 2022 AD, एनो डोमिनी। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। बेसिकली हम लोग जो हैं अंग्रेजों के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अंग्रेज जो क्रिश्चियंस हैं वही इस वक्त सुपर पावर्स हैं, वही इस वक्त मेजर चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्होंने जो कैलेंडर बनाया है वही सारी दुनिया पे लागू हुआ है। अब ये अंग्रेजों ने इसको किस तरह से बनाया, जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसको यकम AD कहा जाता है, यकम एनो डोमिनी। इसको कई लोग आफ्टर द क्राइस्ट या इस तरह भी कह देते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये लफ्ज एनो डोमिनी ही है। मतलब जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस साल यकम AD था, ठीक है। और हजरत ईसा को अब तक गुजरे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, अच्छा कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए कहीं अदब में कोई हो जाए अलैहिस्सलाम या इसमें लगाने का, वो मुझे इतनी माजरत आपसे भी और अल्लाह ताला से भी, क्योंकि मैं बेसिकली तो इस्लामियत का वो कोई लेक्चरर या प्रोफेसर या मुफ्ती तो नहीं हूँ, बट मेरा मकसद आप लोगों को इस्लामियात के MCQs को तैयार करवाना है, तो अज्जा मैं रखूंगा, कोशिश करूंगा कि इन चीजों का भी ख्याल करूँ, बट वो मजहबी जज्बात नहीं ना जगा लेने, जैसे हम एक्सट्रीमिज्म है हमें। अच्छा खैर, अब 2022 साल गुजरने का मतलब यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2022 साल हो गए हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे तो उससे पहले क्या था? उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जो सबसे पहले नबी हैं उनका नाम क्या है बताइएगा, सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और दूसरे नबी कौन से हैं? ये तो सबको पता होगा, दूसरे नबी कौन से हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद? राइट, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, नहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बाद में है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, गुड। अच्छा, इसका मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी जो है एक दौर चलता था जिसको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम हो गए ना, दूसरे नबी की बात हुई है। अब इससे पहले का जितना जमाना है उसमें जो अंबिया कराम आए वो आ जाते हैं जी
बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, यही जो आपको बातें मैंने बताई। अब सवाल उठता है कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में हम फॉलो करते हैं नबवी ईयर और हिजरी ईयर को, इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट और पेपर में आता है वो हिजरी आता है। अब ये नबवी ईयर और हिजरी ईयर क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 570 साल के बाद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 571 एडी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, और उनकी पैदाइश का महीना रबीउल अव्वल। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है अभी, ये जो है रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल गुजरी, ठीक हो गया, और 571 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र को पहुंचे, मतलब के 610 एडी में, 40 साल अगर इसमें ऐड कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत नाजिल हुई, आप सल्लम को नबूवत हासिल हुई। इसका मतलब इस्लाम का आगाज 610 में हुआ। ये जो हमारे ये ईयर चल रहे हैं 2022 वाले, इसमें जब 610 साल आया तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आई और दीन इस्लाम आया। जिस साल आप सल्लम पे नबूवत आई तो वो साल पहला नबवी कहलाएगा, यकम नबवी। नबूवत आने के 23 साल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। इसका मतलब टोटल नबवी साल कितने होंगे? 610 से लेके 623 तक 23 साल होंगे नबूवत के। उन 23 सालों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में तबलीग की, जिसको मक्की पीरियड कहा जाता है, और 13 साल यहां पे तबलीग करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला कुरैश मक्का ने जो है कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और फिर वो सारा वाकया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप अपनी जगह पे सुला के जो है वो मदीना की तरफ मूव कर गए। किधर गए? मदीना। ये होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा आज समझाऊंगा इस बात का। ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट सालों में आता है, आगे पीछे होते हैं, ये आगे मैं आप उसका पूरा चार्ट भी दूंगा, कंपैरेटिव चार्ट, ठीक है। अभी ये इसको समझ लें, नबवी कैलेंडर को, कि नबवी जो है 610 के अंदर हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आ गई, और नबूवत के टोटल जो है, ओ सॉरी, हाँ इसकी बात कर रहे हैं आप, 632 में, 632 में, सॉरी 623 लिख दिया था, 632। अच्छा, बाकी किसी ने नहीं देखा, बस सुनी जा रहे हैं, सो तो नहीं गए बाकी। ये बन गए 23 साल। इस 23 सालों में से नबूवत के 23 साल हैं। अब कोई वाकया वो नबवी के हिसाब से भी आपसे पूछ सकता है, यकम नबवी में क्या हुआ, दो नबवी में क्या हुआ, तीन नबवी में क्या हुआ, एंड 23 नबवी तक वो आपको लेके जा सकता है कि 23 नबवी तक क्या हुआ। इसका मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा बना बनाया, उसमें 7-7 एडी कैलेंडर होगा, एडी का साल होगा, फॉर एग्जाम्पल 610, फिर नबवी का साल होगा यकम नबवी, फिर 611 दो नबवी, और इस तरह जाके जब ये नबूवत का 13वां साल आएगा तो यहाँ पे एक मुसलमानों का नया कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर जाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करते हैं तो उस मुनासबत से मदीना जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रियासत की बुनियाद रखते हैं, जिसको कहा जाता है रियासत मदीना। अब तक मुसलमान क्या कैलेंडर बनाते? मुसलमानों की कोई रियासत ही नहीं थी, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ वहां तशरीफ ले गए, वहां पे एक जो है मिसाके मदीना की, मवाखाते मदीना की, और वहां पे एक सिस्टम डेवलप कर दिया, और उस रियासत के सरबराह बन गए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब आप सल्लम उस रियासत के सरबराह बने तो वहां से एक नया कैलेंडर स्टार्ट हो गया जिसको कहते हैं हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर क्योंकि आप सल्लम 10 साल रहे हैं तो उसके बाद जिंदा तो 10 हिजरी तक ये जाता है। जितने अहम वाकयात हैं वो इन 10 सालों के अंदर होते हैं। इससे पहले मुसलमानों के पास की कोई जंग भी नहीं हुई। गजवात हम सुनते हैं, गजवात वो जंगें जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया उन्हें गजवात कहते हैं। गजवात की तादाद कितनी है बताइएगा? वेरी गुड, 27। वो जंगे जिनमें आप सल्लम ने पार्टिसिपेट किया उन्हें गजवा कहते हैं। और उसके अलावा और जंगे जो मुसलमानों की हुई लेकिन आप सल्लम ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उसको सरिया कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन अरबी में कुछ और हो सकती है, सरिया कहते हैं। इनकी तादाद 53 से 56 के दरमियान है, ठीक है। ये जितने गजवे जितने सीरियां हैं ये इन्हीं 10 सालों में हुए हैं। क्योंकि इससे पहले क्या जंग होती, जब हमारे पास कोई रियासत ही नहीं थी तो जंग करनी किससे थी? रियासत के बनने के बाद। और वो 10 साल हज़रत मोहम्मद सल्लम की जिंदगी 10 साल रही उस रियासत को कंट्रोल करने उसके मैनेजमेंट में, तो उसी 10 साल में गजवात होते हैं। इन्हीं 10 सालों में नमाज, रोजा, हज, जकात, ये सारी चीजें, नमाज के अलावा, नमाज पहले फर्ज हो गई थी सॉरी, रोजा, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये सारे फर्ज होते हैं। जुआ को हराम करार दिया जाता है, शराब को हराम करार दिया जाता है, ठीक है। सुलह हदेबिया होती है, फतेह मक्का होती है, जितने अहम वाकयात हैं वो इसी 10 सालों के अंदर होते हैं। ये देखिए, व्हाट इज हिजरी कैलेंडर, ईयर ऑफ हिजरत टू मदीना एंड ले डाउन फाउंडेशन ऑफ रियासत मदीना। 622 में हिजरत की थी और 622 जो है वो यकम हिजरी था। और फेमस इंसिडेंट्स जो हैं जितने हुए वो इन्हीं 10 हिजरी में हुए टिल द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस वक्त 2022 है तो 1444 हिजरी है। ये भी एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उस साल का पूछा हुआ था, तब 1442 था। आज अगर ये क्वेश्चन अब किसी पेपर में आए कि मौजूदा हिजरी साल क्या चल रहा है तो वो 1444 होगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर से वो साल निकाल देना हिजरत के, 600 जो हैं 22 साल, 622 साल अंग्रेजों के तब तक गुजर चुके थे, हमारा तब कैलेंडर आया। फिर थोड़ा सा ये है कि हमारा कैलेंडर जो है वो चांद के मुताबिक है, ल्यूनर कैलेंडर है जो कि 622 से स्टार्ट होता है। और जो ल्यूनर कैलेंडर है उसके 355 दिन होते हैं। जो अंग्रेजों ने अपना कैलेंडर बनाया हुआ है एडी वाला, जिसके मुताबिक आज 2022 एडी है, एनो डोमनी हजरत ईशा की पैदाइश का पहला साल उससे लेके अब तक, वो सोलर कैलेंडर है। सूरज, जमीन जो सूरज के गिर्द घूमती है वो 365.25 डेज में एक चक्कर मुकम्मल करती है, इसको सोलर कैलेंडर कहते हैं। शमसी महीने या अंग्रेजी महीने, और ल्यूनर को कहते हैं कमरी महीने, कमर मैंने चांद। यहां तक क्लियर हो गया मामला? कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई कंफ्यूजन? लेक्चर आज के पेपर में आया था, चलिए। अच्छा जी, कोई यहां तक आपको कंफ्यूजन या कैलेंडर वगैरह का जो मैंने सिस्टम आपको समझाया इसमें? चल गुड हो गया।
अब 355 दिन है कमरी साल के, आप देखते नहीं जो रमजान का महीना है, ज्यादा हमें रमजान के महीने का ही होता है, वो 10-10 दिन पीछे होके गर्मियों में आया, फिर गर्मियों से हर अगले साल 10 दिन और पीछे हो जाता है, और ऐसा ऐसा वो अब मार्च के अंदर आ गया है, और ऐसा ऐसा फिर वो सर्दियों में चला जाएगा दिसंबर जनवरी के अंदर, और फिर 10-10 दिन कम करते हर महीने में ये रोटेट होता रहता है, क्योंकि 10 दिनों का फर्क है। जो अपना अंग्रेजी साल है वो 365.25 दिन का है, ये जो 0.25 है ये 4 सालों के बाद एक दिन बन जाता है, ये पॉइंट भी देखिएगा। हर साल 365.25 दिन का होता है, लेकिन हम आमतौर पर सुनते हैं 365। अब कौन 0.25 को जमा करे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ा दिया, फरवरी के हर 4 साल के बाद 29 दिन होते हैं ना, जिसको लीप ईयर बोला जाता है, 29 फरवरी, वैसे फरवरी के 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल बाद एक ऐसा फरवरी आता है जिसके 29 दिन होते हैं, वो उन्होंने ये 0.25 जो है हर साल, जो इतना एक दिन का चौथा हिस्सा गुजरा होता है, 4 साल बाद एक दिन करके वो ऐड कर देते हैं, हिसाब बराबर कर देते हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन कौन सा है बताइएगा? क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, क्रिस्ट, सारे लड़ पड़े आपसे यार, आपके लड़ नहीं रही, ये जो है इजहारे राय की आजादी है। अरे क्रिश्चियनिटी कैसे हो गया, यकम एडी को पैदा हो रहे हैं हजरत ईसा, अभी मैं आपको बता के हटा, इसका मतलब जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है, उसको स्टार्ट हुए तो अभी 2022 साल हुए हैं। इससे पहले अगर हम अपना देख लें तो ज्यूश लोग भी मौजूद थे इल्हामी किताबों में, अगर हम देख लें। दुनिया का जो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन जिसको माना जाता है वो हिंदुइज्म है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, हिंदुइज्म दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है। रिलीजन बहुत सारे आए हैं, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद किस रिलीजन के लोगों की है? दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, इंग्लिश में अगर कह लें तो 8 बिलियन। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन से मजहब के फॉलोअर्स हैं? हिंदुइज्म, हिंदू सिर्फ हिंदू इंडिया में है जस्ट, या नेपाल में है, और थोड़ी थोड़ी मिकदार में बाकी जगह मौजूद है। इस्लाम, क्रिश्चियन, चलो ठीक हो गया, क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है जी। दो बिलियन, इस्लाम सेकंड नंबर पे है 1.8 बिलियन, हिंदू तीसरे नंबर पे हैं 1.4 बिलियन अरब, ठीक है जी। बट इस्लाम इज ग्रोइंग एज एट ए एक्सपोनेंशियल रेट, इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। इस्लाम कब आया था? 611 में, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आई, ठीक है। और पहले मुसलमान जो हुए मर्दों में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुए, खवातीन में हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुई, और बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुए, जो सबसे पहले मुसलमान हुए। उसके बाद 13 साल जो प्रीचिंग है वो
ढकी छुपी चलती रही कुरैश में, मक्का में, जो प्रॉपर रियासत मदीना बन के रिलीजन को एक्सप्लोर किया गया वो 623 में। इसका मतलब इस्लाम इज कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन और इस्लाम जो है वो तेजी से अब फैल रहा है। कहा जाता है कि एक तो मुसलमान बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं, एक वजह ये भी है। मुस्लिम ममालिक नाइजेरिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान भी लगा ले, पांचवें नंबर पे आ गया, तो जो है ये भी एक वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि हम कल कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ रहे थे, कल हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, तो इस्लाम सऊदी अरेबिया से इमर्ज हुआ और ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक गया, सिर्फ तीन कॉन्टिनेंट तक गया है इस्लाम। नहीं, अच्छी बात तो है, बहुत अच्छी बात है, इस पे कभी किसी और मौके पे बात कर सकते हैं। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में गया। हमारा मैवर ये था जहां पे हजरत मोहम्मद सल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए, मिडल ईस्ट में, और यहां से सहाबा कराम एशिया, यूरोप और अफ्रीका की तरफ गए। और ये बनी 7वीं सदी से 14वीं सदी। इस्लाम ने बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत ज्यादा हम फैल गए तीन कॉन्टिनेंट्स पे। क्रिश्चियनिटी जो थी वो ऐते लोअर मार्जिन आ गई थी, जो उसका इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया था। बट ये क्रिश्चियन इस वक्त किस तरह से ज्यादा हो गए, 14वीं सदी तक इस्लाम फैला और उसके बाद हमने एक इरा स्टार्ट हुआ, इरा ऑफ डिस्कवरीज। वो स्टार्ट हुआ यूरोप से, इंग्लैंड से, यहां पे है इंग्लैंड यूरोप में। इन्होंने शिप से जात कर ली सफर करने के लिए। मुसलमानों ने उस वक्त जो हमारे थे, हमारी चलती थी सल्तनत उस्मानिया थी। आपको ये कंसेप्ट भी बताऊंगा कि सल्तनत का कंसेप्ट, उम्मत का कंसेप्ट और खलीफा का कंसेप्ट क्या होता है। मुस्लिम कौम खलीफा के बगैर कुछ भी नहीं है और इस वक्त हमारा कोई खलीफा नहीं है, सॉरी टू से, और अभी आगे चल के ये कंसेप्ट आएगा सारा हमारा। मुसलमानों ने कहा ये जो शिप्स होती हैं ये जी खुदाई दावे हैं, अल्लाह ताला को टक्कर देने वाली बात है, ये मामला बायकॉट। फतवे जारी हुए, एरोप्लेन आ गए जी, अल्लाह ताला को जो है ये टक्कर देने। हालांकि साइंस इस्लाम का पार्ट है, वन ऑफ द माइनर पार्ट ऑफ इस्लाम है, माइनर पार्ट ऑफ इस्लाम इज साइंस, ठीक है। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि साइंस की कोई चीज आजाद हुई है या तरक्की हो रही है तो वो इस्लाम से कोई मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर आए, फतवे जारी हो गए, ये जो है शैतानी मशीनें हैं। इसके बकायदा फतवे जारी हुए हमारे जो है खलीफा की तरफ से। इन सारों चीजों को जब इजाद किया तो इंग्लैंड के लोग इधर भी गए नॉर्थ अमेरिका, इधर भी गए साउथ अमेरिका, इधर भी चले गए ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में भी आ गए, एशिया में भी कब्जा कर लिया। वो आपको पता है कि यहाँ जब मुसलमान होते थे फिर 1857 में ब्रिटिश राज आ गया था, यूरोप तो पहले ही उनका था। यूरोपियन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब इस जगह पे जब मुसलमान पहुंचा ही नहीं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, तो वहां के लोग मुसलमान कैसे होते, उन तक कोई चीज पैगाम लेके जाने वाली होती तो वो मुसलमान होते। उर्दू चैनल, अरेबिक चैनल वो सुनते नहीं थे, वो इंग्लिश बोलते हैं या स्पेनिश बोलते थे। तो यूरोपियन लोग वहां पहुंच गए और इन्होंने सातों कॉन्टिनेंट्स में अपनी गवर्नमेंट कायम की है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड का कहा जाता है कि बर्तानिया का सूरज कभी गरूब नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया में उनकी सल्तनत थी, तो जिस भी एरिया में, किसी ना किसी एरिया में तो सूरज निकला होता था ना। बट
विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ मुसलमानों को अब जब होश आया, हमने कोई स्पीकर्स, कोई मोबाइल, कोई ये चीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया, कई हमारे उल्मा डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर जाकर नाइक, मौलाना तारक जमील हैं, जो भी इख्तलाफात अपनी बेस पे हो सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ एरियाज में गए तो यहाँ भी कुछ लोग जो हैं वो मुसलमान हुए, यहाँ भी कुछ लोग मुसलमान अब यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, और अब इस्लाम जब पैगाम इसका फैल गया तो एक्सपोनेंशियल रेट पे फैल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड रेट पे फैल रहा है, और ये तवक्का की जाती है कि 2050 में, 2050 में मुसलमानों की तादाद क्रिश्चियन से ज्यादा होगी। वन ऑफ द रीजन इज अवेयरनेस, पैगाम, प्रीचिंग, एंड सेकंड रीजन इज वी हैव नो पॉपुलेशन कंट्रोल। हालांकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी, जर्मनी में जो है वो हो गई, लेकिन उन्होंने जो ये पॉलिसियां अडॉप्ट हुई तो इस वक्त जो यूथ कर्व है जर्मनी का वो जीरो है। उन्होंने बच्चे पैदा करने पे, इन चीजों पे नहीं जी, ये बोझ होते हैं, तो यूथ कर्व इनका जीरो पे आ गया है। चाइना में यूथ कर्व नीचे चला गया है। यूथ कर्व जो होता है वो देखा जाता है किसी मुल्क का कि पोटेंशियल लोग, मतलब यूथ ज्यादा काम कर सकते हैं ना, छोटे बच्चे तो नहीं ज्यादा काम कर सकते, या बुजुर्ग हैं वो मरने के करीब होते हैं। पाकिस्तान में यूथ कर्व अच्छा है, आई थिंक 46% है, हमारी आबादी का 46% जो है वो यूथ पे है। अब जर्मनी और जिन लोगों ने छोड़ दी थी ये चीज के जी बच्चे पैदा नहीं करने या इस पे कंट्रोल करना है, वो अब पछता रहे हैं और वहां पे हमारी लेबर जाती है काम करने। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो ये रिलीजन है ना, काफी सारे रिलीजन आए हैं, ये मैं जस्ट आपको इसकी स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा, आपको हर रिलीजन का पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं बस कौन कौन से आए। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म आया इसके बाद, इसका जो फाउंडर था वो ज़ोरोआस्टर सपीटामा था, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1400 साल पहले का रिलीजन है। तब अंपायर होते थे बड़े बड़े, रोमन अंपायर, पर्शियन अंपायर, ठीक है, वहां पे ये रिलीजन फॉलो किया जाता था। फिर जुदाइज्म आ गया, जुदाइज्म जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जो रिलीजन लेके आए उसको कहा जाता है। आपने कंसेप्ट दिया मोनोथीस्टिक का कि खुदा एक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, इन्हें मुस्लिम कहा जाता है कुरान पाक में, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वन गॉड का जो है वो कंसेप्ट शुरू हो जाता है। ऑल्दो उससे पहले भी था, लेकिन प्रॉपरली फिर हम जो ये मेन जो जिन पे चार किताबें नाजिल हुई हैं उनको एब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, जिनकी यहां तक बेस सेम है। कौन कौन से एब्राहमिक रिलीजन में आते? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइश और वो जिन पे जबूर नाजिल हुई थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, इन चार पे इल्हामी किताबें नाजिल हुई हैं, बाकियों पे सहीफे नाजिल हुए हैं और जो इल्हामी किताबें हैं वो इन चार रिलीजन पे हुई हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे एंजील बाइबल, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद। इन ये चार रिलीजन आपस में शादी भी कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला को मानते हैं और मुश्तरिक हैं काफी सारी चीजें, अल्लाह ताला की एक जात को मानते हैं, बट ये इधर अड़े रह गए, ये इधर अड़े रह गए, क्रिश्चियन जो है यहां तक मानते हैं, और इस्लाम इन सबको भी मानता है, ऊपर वाले रिलीजन को भी, बट कहता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और यहाँ पे आके दीन मुकम्मल हो गया। इस्लाम के आने के बाद कौन कौन से रिलीजन आए हैं, कोई माइंड में वैसे हो तो बताइए। जूदिज्म के बाद आया बुद्धिज्म,
बुद्ध मत लोग आए, गौतम बुद्धा, ये लोग खुदा पे यकीन नहीं रखते थे, ये मोरालिटी पे यकीन रखते थे कि मोरल वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए। बस जो गौतम बुद्धा था उसने मोरल वैल्यूज का, ये हजरत ईसा से 550 साल पहले का है, ये बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 500 साल पहले बुद्धिज्म का मजहब आया, गौतम बुद्धा इसका फाउंडर है। इस्लाम के बाद कौन से रिलीजन आए, आपसे क्वेश्चन किया है मैंने, जो जाग रहे हैं वो बता दें, जो सोए हैं उनकी नींद को डिस्टर्ब करना मैं भी मुनासिब नहीं समझ रहा। या कोई अगर लड़कियां चाय बनानी चली गई हैं, लड़के जो हैं वो कॉल पैकेज पे लग गए हैं, उनसे भी नहीं बाकी नहीं पता। यार सिख जो हैं, सिखिज्म, फिर वो जो अहमदी फिरका है, ठीक है, इसके अलावा भी एक दो है, आगे मैं आपको मजीद भी बताता हूँ, ठीक है। ये बुद्धिज्म आया, बुद्धमत लोग आए हमारे इंडो पाक कंटिनेंट में, ये है जी पाकिस्तान, ये है जी इंडिया, सबसे पहले इंडियन लोग रहते थे, फिर यहां पे बुद्धिज्म के लोग आए थे, फिर यहां पे मुस्लिम्स आ गए। अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें, फिर एक रिलीजन है कन्फ्यूशियनिज्म, कन्फ्यूशियस, ठीक है, ये भी जो है खुदा को नहीं मानते, इनकी भी मोरल वैल्यूज हैं, और ये रिलीजन जो है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के साथ मिलके, बुद्धिज्म वाले लोग, कन्फ्यूशियनिज्म वाले लोग, ये चाइनीज लोग, और ये नहीं है कि थोड़े बहुत लोग हैं, ये बहुत बड़ी आबादी है। चाइना जो है वो 1.4 बिलियन चाइना की आबादी है, 1.4 अरब, ऑलमोस्ट दुनिया का 15% बन जाता है। तो ये कन्फ्यूशियनिज्म और जो बुद्धिज्म के लोग हैं, इसको भी बहुत ज्यादा लोग जो है फॉलो करते हैं। फिर जैनिज्म आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्रिश्चियनिटी आ गई, क्रिश्चियनिटी 27 CE, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 27 साल थी जब उनको उठाया गया, ठीक है, जमीन से ऊपर उठाया गया, और इसका जो फॉलोअर है वो सबसे ज्यादा है इस वक्त, उसकी मैंने आपको वजह भी बता दी। फिर इस्लाम आ जाता है, 622 के अंदर जो है ये स्टार्ट होता है इस्लाम प्रॉपरली रियासत मदीना से। वैसे तो आप सल्लम पे नबूवत जो है वो 610 में आ गई थी, लेकिन जो रियासत मदीना स्टार्ट होती है वो 622 से स्टार्ट होती है। हमारा कैलेंडर भी वहीं से स्टार्ट होता है, हिजरी कैलेंडर, जब आप सल्लम हिजरत करते हैं। इस्लाम के बाद जो रिलीजन आए हैं उनमें शिंतुइज्म रिलीजन आया है, ये 712 में, ये वो साल है 712 जब पाकिस्तान के इलाके में मोहम्मद बिन कासिम आया था। हमारे इलाके में बुद्धिज्म लोग रहते थे, बुद्ध मत लोग और हिंदू लोग रहते थे, जो सबसे पहला मुसलमान पाकिस्तान के एरिया में आया था वो मोहम्मद बिन कासिम था, ये वही एरिया है। तो एक जगह ये रिलीजन स्टार्ट हो जाता है 712 में, इसका जो फाउंडर है उसका नाम है एम्पेरस जैमी, ठीक है। ये रिलीजन भी पॉलीथीस्ट है, बहुत सारे खुदाओं को ये मानते हैं, इनकी तादाद जो है वो 40 लाख है। शिंतुइज्म के बाद सिखिज्म, सिख जो लोग हैं ये 1495 में स्टार्ट हुआ सिख लोगों का रिलीजन, ये भी ये जो रिलीजन है ना अपना, ये अंपायर जो थे डिफरेंट, ये जो एम्पेरस जैमी था ये एम्पीरियर था, ये जो एरिया है रोम वगैरह रोमन उधर, ये अपनी उनकी वैल्यूज होती थी किंग वगैरह की, कि इस तरह करना है ये नहीं करना, तो वो वहां पे एक रिलीजन आ जाता था, जहां तक और रिलीजन के लोग नहीं पहुंचते थे, वो फिर अपनी वैल्यूज बना के, खुदा बना के, कुछ बादशाहों को देवता बना के
और इस तरह अपना काम चलाते थे। सिखिज्म 1495 में स्टार्ट हुआ। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गुरु नानक, नानक देव जी, ये जिनका ननकाना साहब में नारोवाल के करीब जो है दरबार भी है। ये गुरु सिख इसको मानते हैं नानक देव को। ये कंपैरेटिवली एक न्यू रिलीजन है। और जो कादियानी है उसको हम एज सच बहुत बड़ा रिलीजन नहीं कह सकते, वो बस एक दरमियान की जो है वो नकाला है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, वो रिलीजन नहीं, ना उसके बहुत ज्यादा कोई फॉलोअर है, बट एक सेंस में देखा जाए तो वो उन्होंने एक अपना रिलीजन स्टार्ट किया। ये तो रिलीजन हो गए जो के डिफरेंट रिलीजन आए, जो मैंने आपको एक ओवर जनरलाइज व्यू आपको कर दिया। अब अगर हम ये देख लें मंगोलिया वाला, ये कन्फ्यूशियनिज्म वगैरह है ना, कन्फ्यूशियस और बुद्धिस्ट लोग, हिंदुइज्म के बाद वाले जो मजाहिब हैं वो है वहां पे। ये तो बात होगी एमसीक्यू के हवाले से हमारी ओवरऑल जनरल भी, कि हमें रिलीजन का पता होना चाहिए, उनके फाउंडर्स का पता होना चाहिए, उनके ईयर्स का पता होना चाहिए। अब अगर हम इस्लाम के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम कब आना स्टार्ट हुए? इस्लाम जो है वो एग्जैक्ट हमें टाइमलाइन नहीं देता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कब आए थे, पहले जो नबी हैं हम, लेकिन जो उलमा कराम हैं वो ये इन्फर कर लेते हैं डिफरेंट वाकयात की मदद से कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं वो उनके और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान ऑलमोस्ट 4000 साल का फर्क है। आपकी उम्र 1000 साल थी, 950 भी कहीं मिल जाता है, कहीं 1000 भी मिल जाता है। और हजरत, अगर हम मतलब हजरत ईसा की लाइफ से पहले चले जाएं 4000 साल पहले, उसके दरमियान अंबिया कराम आए, 4000 साल में 1,24,000 पैगंबर आए। कुराने मजीद में कितने पैगंबरों का जिक्र है? हाँ जी, अच्छा जी, और कोई? जरताशा कहती है 25। कुराने पाक में कितने अंबिया कराम का जिक्र आया है? मिसबा बतूल कहती है 25 से 27, आमिर खान कहते हैं 14। कुराने पाक में 26 अंबिया कराम का जिक्र आया। जरताशा जो 25 कह रही है वो भी ठीक है। यहां थोड़ा सा उलमा में कंफ्लिक्ट आ जाता है। कुछ उलमा कराम ये कहते हैं 25 से 27, 27 ठीक नहीं ना होगा, 27 का तो कोई भी नहीं कहता, 25 से 26 कहती फिर ठीक था। अब 26 के नाम हैं, एमसीक्यू में पीपीएससी के आमतौर पे 26 का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 26 ना हो तो आप 25 हो तो 25 को टिक कर लेंगे। कंफ्यूजन कहाँ आती है? एक नबी का नाम कहा जाता है कि उनको दो नामों से पुकारा गया है, ठीक है, उनको दो नामों से पुकारा गया है। अगर उनको दो नामों से पुकारा गया और उनके अलग अलग नाम गिन ले तो 25 है, अगर उनको अलहदा अलहदा गिन ले तो 26 है, और मोस्ट एक्यूरेट आंसर 26 है इसका। अब ये वो अंबिया ग्राम की मैंने यहाँ टाइमलाइन दी हुई है, उन यहाँ पे गालबन 25 लिखे हुए हैं, 25 अंबिया ग्राम की जो आए, जैसे जिनका नाम आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत तीसरे नंबर पे नूह अलैहिस्सलाम, फिर हूद अलैहिस्सलाम,
हजरत सालेह अलैहि सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम एंड सो ऑन। तो इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, ये इनके ईयर याद करने की बहुत ज्यादा ऐसा जरूरत नहीं है कि ये किस किस ईयर के अंदर रहे। बाकी यहाँ पे जो है कुछ लिखी नहीं है कि ये किस नेशन के लिए आए ये पैगंबर, वो नेशन आपको याद करनी होगी। ठीक है जी, ये जो है 26 अंबिया कराम के मैंने नाम लिखे हुए हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी जो आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में हैबर कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यकूब अलैहिस्सलाम, इनको जैकब कहा जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम को मोसेस कहा जाता है, दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड कहा जाता है। तो ये डिफरेंट जो है अंबिया कराम के नाम आप एक दफा इनको देख लीजिएगा। और अंबिया कराम की एज, जिनकी नाउन एज है हमें, जिनका हमें पता चलता है, ये उसका एक चार्ट है, ये आखिरी स्लाइड है। ठीक है, मजीद आप लोगों को जो है नहीं शल करता आप लोगों के दिमाग, यहीं पे हम इसको बस करेंगे। ये वो लिस्ट है, एज वाइज डिसेंडिंग लिस्ट है कि सबसे ज्यादा उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी 1000 साल। दूसरे नंबर पे लंबी उम्र थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्हें बशरे सानी भी कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तीसरे नंबर पे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम 882 साल। पहले तीन सिर्फ जस्ट याद करने, बल्कि पहले दो भी याद कर लें तो मोर देन इनफ है। और इधर अंबिया कराम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 63 साल और हजरत याया की उम्र 95 साल थी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो उठाया गया वो 27 साल की उम्र में उठाया गया ऊपर, उनको फिर वो कहा जाता है कि वो जिंदा हालत में उठाया गया, उन्होंने दोबारा आना है। तो इस तरह के जो मामला हैं वो है। ठीक है जी, ये आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्री इस्लामिक इरा के बारे में बेसिकली बताया है कि इस्लाम से पहले कौन कौन से मजाहिब मौजूद थे, उनके फाउंडर्स कौन कौन से थे, इस्लाम के आने के बाद और इस्लाम आया तो कौन सा कैलेंडर बने, हज़रत मोहम्मद सल्लम को नबूवत आई तो नबी कैलेंडर चल पड़ा, जब आप सल्लम ने मदीना माइग्रेट किया तो हिजरी कैलेंडर चल पड़ा, और कैलेंडर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। यहां तक इसमें से कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में से तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नहीं आया, ये अहदीस वगैरह में इनका जिक्र आया होगा, आया होगा, मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये हैं दूसरे पैगंबर ही, तो फिर वो दूसरा सोर्स हमारे पास अहदीस होता है कुरान पाक के बाद। नहीं, ये मैंने जो 622 और ये किया है ना, वो मैंने बड़ी रिसर्च के बाद ये शेयर किए हैं, और इसका मैं आपको आखिर में जब अगला लेक्चर दूंगा तो आपको चार्ट, कंपैरेटिव चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि उस साल जो है वो इंग्लिश ईयर कौन सा था, उस साल नबवी ईयर कौन सा था, और उस साल हिजरी ईयर कौन सा था, और ये रेफरेंस बुक जो है मुबारकपुरी की रहकीकल मखतूम इस तरह करके नाम है, उससे बना हुआ डेटा है, और कंसल्ट किया हुआ जो है इस्लामियात के लोगों से, और पीपीएससी के हवाले से भी यही फाइनलाइज डेट्स होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। कोई क्वेश्चन? चले, ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो
आप लोगों को आज मैं दो मॉडल पेपर भेजूंगा, अब आप अपनी स्पीड बढ़ा लें। कल मैंने आपको एक मॉडल पेपर भेजा था, उसको डिस्कस करना था, अब मैं आज आपको दो मॉडल पेपर और भेजूंगा सॉल्व, तीन मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे। कोशिश करें उन तीन मॉडल पेपर को अभी डिस्कस कर लें, ये इंतजार ना करते रहें कि सर टेस्ट कब अनाउंस करेंगे, साथ साथ कर लें तो वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। अब रोज के दो मॉडल पेपर आप तैयार किया करें, ठीक है, क्योंकि एमओडी का पेपर भी करीब आ रहा है, पीपीएससी के भी बहुत सारे पेपर हैं जो एंड ऑफ अक्टूबर में शेड्यूल्ड हैं, और तो आप लोग जो है ना वो दो पेपर की अब अपनी कैपेसिटी बना लें। ठीक हो गया जी, चलें ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।